लास्ट लेक्चर में हमने 12th स्टैंडर्ड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट देखा था। आज हम देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीजें आती है और क्यों। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वो लोग जिन्होंने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा था, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल कर दूंगा, आप लोग वहां जाके मेरा लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। हमारा सबसे पहला अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट फैक्ट्री को रिलेट करता है, इट मीन फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। तो आइए देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती है। सबसे पहले जो हमने फॉर्मेट याद किया था हम लोग वो देख लेते हैं एक बार। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न। इसके अलावा और क्या क्या आता है? सबसे पहले हमारा कैरेज इनवर्ड। कैरेज, कैरेज मीन्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब होता है जब मैं एज अ बिजनेसमैन गुड्स परचेज करता हूं तो परचेज करने के टाइम पे जो ट्रेवलिंग कॉस्ट जाता है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जाता है, उसे हम कहते हैं कैरेज इनवर्ड। क्योंकि मैं रॉ मटेरियल परचेज करता हूं और रॉ मटेरियल परचेज करके मैं किधर लाता हूं, फैक्ट्री में, इसलिए कैरेज इनवर्ड मेरा फैक्ट्री का एक्सपेंस है। हमारा नेक्स्ट एक्सपेंस है फ्रेट। जब भी हम बल्क में परचेज करते हैं तो सामान लेके आने का जो खर्चा होता है उसे कहते हैं हम फ्रेट। वंस अगेन सामान आता कहां है, फैक्ट्री में, इसलिए ये ट्रेडिंग का खर्चा है। नेक्स्ट एक्सपेंस है हमारा डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी एंड इंपोर्ट ड्यूटी। ये तीनों एक्सपेंस एक साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब भी हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो ये तीनों चार्जेस लगते हैं। इंपोर्ट करते मीन्स व्हाट, दूसरे कंट्री से मैं गुड्स खरीद रहा हूं तो हमारे कंट्री में गुड्स आ रहा है तो उसके लिए कुछ हमें चार्जेस पे करने पड़ते हैं। डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब चीजें जो हम पे करते हैं, ये इसलिए पे करते हैं ताकि गुड्स हमारे पास आए। तो गुड्स हमारे पास आ रहे, इन शॉर्ट हमारे फैक्ट्री में आ रहे, इसलिए ये तीनों ट्रेडिंग का खर्चा है। नेक्स्ट है हमारा वेजेस। वेजेस मीन्स मजदूरी, जो हम लोग हमारे मजदूरों को देते हैं। तो ये क्योंकि मजदूर फैक्ट्री में होते हैं इसलिए ये ट्रेडिंग का खर्चा है। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस मीन्स व्हाट, वो वेजेस, वो मजदूरी जो कुछ प्रोडक्टिव काम करने के लिए हम मजदूर को देते, इन शॉर्ट ये एक तरीके का वेजेस है जो हम मजदूरों को देते। रिमेंबर द वर्ड प्रोडक्टिव इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्टिव वेजेस आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। हमारा नेक्स्ट एक्सपेंस है वेजेस एंड सैलरी, वेरी इंपॉर्टेंट। वेजेस अभी अभी हमने देखा, वेजेस हम देते हैं मजदूरों को, सैलरी हम उनको देते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं। यहां पे दोनों है, इन केस अगर दोनों है तो हमें सिर्फ फर्स्ट वर्ड देखना है, फर्स्ट वर्ड हमारा वेजेस है, हम सैलरी को इग्नोर करेंगे। तो वेजेस आता है फैक्ट्री में इसलिए ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर ये सैलरी और वेजेस रहता तभी भी हम फर्स्ट वर्ड देखते सैलरी, सैलरी हम लोग ऑफिस में देते इसलिए वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हमारा नेक्स्ट एक्सपेंस है कोल, गैस एंड ऑयल। कोल, गैस एंड ऑयल ये मशीन को चलाने में यूज में आते हैं और मशीन कहां होते हैं, फैक्ट्री में, इसलिए ये भी फैक्ट्री का खर्च है इसलिए ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट है हमारा मोटिव पावर। मोटिव पावर, मोटिव पावर मीन्स वो पावर जिससे हमारी मशीन चलती है। तो मशीन फैक्ट्री में होता है इसलिए ये फैक्ट्री का खर्च है इसलिए ये आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट है रॉयल्टी। रॉयल्टी मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बड़ा है। नेक्स्ट है प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। प्राइमरी पैकिंग चार्जेस आपका ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा है, अगर ये सेकेंडरी होता तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का। वर्क मैनेजर सैलरी, नॉर्मल मैनेजर ऑफिस में होते हैं, अगर वर्क मैनेजर है तो वो वर्क के प्लेस पे होगा, वर्क का प्लेस हमारा फैक्ट्री है इसलिए ये फैक्ट्री का एक्सपेंस है, इसलिए हमारा वर्क मैनेजर सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। यहां पे हमारे सब चीजें हो गए डेबिट के।
क्रेडिट साइड में गुड्स से रिलेटेड एंट्री आएगी। रिमेंबर, गुड्स से रिलेटेड एक एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा आएगी। अगर गुड्स आ रहे तो डेबिट, गुड्स जा रहे तो क्रेडिट, गुड्स आ रहे तो डेबिट, गुड्स जा रहे तो क्रेडिट, गुड्स आ रहे तो डेबिट, गुड्स जा रहे तो क्रेडिट। अगर गुड्स जा रहे कहीं भी जा रहे, गुड्स जल गए, गुड्स चोरी हो गए, गुड्स बांट दिए, गुड्स पार्टनर ने ले लिए, अगर गुड्स जा रहे तो क्रेडिट साइड में आएगा ही आएगा। इन शॉर्ट, गुड्स से रिलेटेड एक इफेक्ट आपको ट्रेडिंग अकाउंट में देना है। रूल के हिसाब से, रूल है गुड्स आया तो डेबिट, गुड्स गया तो क्रेडिट। यहाँ पे हमारे सब एक्सपेंस खत्म हो गए, सिर्फ एक एक्सपेंस बचा है, रॉयल्टी। रॉयल्टी, आइए समझते हैं रॉयल्टी को एक एग्जांपल के जरिए। जैसे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और मुझे इस वीडियो में एक म्यूजिक डालनी है, तो मुझे वो म्यूजिक परचेज करना पड़ेगा उससे जिसने म्यूजिक कंपोज किया है। तो परचेज करने के टाइम पे जो मैं सामने वाले को पेमेंट दूंगा उसे कहते हैं रॉयल्टी। मुझे ये वीडियो बनाने के टाइम पे म्यूजिक ऐड करना है, इट मींस वीडियो जब मैन्युफैक्चर हो रहा है तब मुझे रॉयल्टी का खर्चा करना है। इट मींस रॉयल्टी इज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, इसलिए रॉयल्टी आएगा आपका फैक्ट्री में, इसलिए रॉयल्टी आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट खत्म होता है। और भी कुछ चीजें हैं जो अगर आएगी तो हम सम के ड्यूरेशन में देखेंगे। आइए अब हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। हमारा नेक्स्ट अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफिस को रिप्रेजेंट करता है। इट मींस ऑफिस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है, ऑफिस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है, वो सब आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। तो आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन से एक्सपेंस आते हैं। सबसे पहला है बैड डेट्स, जो हम लोग ने ऑलरेडी फॉर्मेट में देखा है। उसके बाद हमारा आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन मींस ऑफिस में होने वाले खर्चे सब आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। एडमिन, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए जो भी हमारा खर्चा होता है, बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जो भी हमारा खर्चा होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स सेलिंग के लिए जो भी खर्चा आता है वो सब चीजें हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगी। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल एक्सपेंस। फाइनेंशियल एक्सपेंस मींस द चार्जेस, जो भी हम इंटरेस्ट हो गया, बैंक चार्जेस हो गया, नॉर्मल कोई चार्जेस हो गया, सब चार्जेस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। और क्रेडिट साइड में जितने भी इनकम रिसीव्ड है, कहीं से भी कुछ भी अगर वो रिसीव्ड है, इट मींस वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड आएगा। तो आइए देखते हैं वन बाय वन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंशियल एक्सपेंस में क्या क्या चीजें आती है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा सबसे पहला एक्सपेंस है सैलरी। सैलरी उनको दिया जाता है जो ऑफिस में काम करते हैं, इसलिए सैलरी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंस है। नेक्स्ट सैलरी एंड वेजेस, हमने ट्रेडिंग अकाउंट के टाइम पे देखा था सैलरी एंड वेजेस अगर दोनों आएगा तो मुझे सिर्फ फर्स्ट वर्ड पे ध्यान देना है, सेकेंड वाला वर्ड इग्नोर करना है। तो सैलरी हमारा ऑफिस में आता है इसलिए आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। नेक्स्ट है हमारा रेंट एंड रेट्स। रेंट, रेंट मोस्टली हम देते हैं हमारे ऑफिस का, इसलिए ये होगा प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम। नेक्स्ट इंश्योरेंस, अगेन इंश्योरेंस हम लोग ऑफिस का कराते हैं तो हमारा ये भी खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री में पावर यूज में आता है, नॉर्मल ऑफिस में हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो हम लोग हमारे घरों में भी यूज करते हैं वो होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी या लाइटिंग ऑफिस में यूज में आता है इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंस है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अगेन प्रिंटिंग स्टेशनरी, स्टेशनरी में हमारा पेन, पेंसिल, इरेजर, सिरोक्स पेपर वगैरह ये सब चीजें आ गई, तो ये हमारा ऑफिस में होता है इसलिए ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मीन्स नुकसान, असेट की वैल्यू कम हो रही है, हमको नुकसान हो रहा है इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस मतलब हमारा जो अकाउंट है जो हमने मेंटेन किया है उसका ऑडिट होगा, उसको चेक किया जाएगा और जो पर्सन उसको चेक करेगा उसको हम कहते हैं ऑडिटर।
और वो ऑडिटर को जो हम पैसे देंगे उसको बोलते हैं हम ऑडिट फीस। इसलिए ये ऑफिस का खर्चा है तो ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, जो भी छोटा मोटा रिपेयरिंग वर्क है ये आपका ऑफिस में होता है, इसलिए ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है। जनरल एक्सपेंस, जो भी छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं जनरल एक्सपेंस में हम उसको डाल देते, ये ऑफिस में। नेक्स्ट है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वो सब खर्चे जो सेल के टाइम पे होते हैं। जैसे इसमें पहले है हमारा ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस। ट्रेवलिंग, मोस्टली ट्रेवलिंग हमारे सेल्स एजेंट करते अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने के लिए, तो ट्रेवलिंग हमारा सेलिंग का खर्चा है, तो ये वंस अगेन प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। नेक्स्ट कमीशन, अगेन जो सेल्स एजेंट है वो कमीशन बेसिस पे काम करते हैं, कमीशन हमें पे करना पड़ता है, कभी कभी कमीशन हमें मिलता है। अगर हम पे कर रहे तभी भी ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, अगर हम रिसीव कर रहे तभी भी ये प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगा, डिपेंडिंग ऑन द साइड। नेक्स्ट गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, हम लोगों ने हमारा गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्यों करते हैं हम? क्योंकि हम हमारे गुड्स का एडवर्टाइज कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो हमारा गुड्स और सेल होगा, तो ये सेलिंग का खर्चा है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। नेक्स्ट डिस्काउंट, हम डिस्काउंट ऑफर रखते हैं, डिस्काउंट क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारा सेल हो, अगेन डिस्काउंट दे रहे हम सेलिंग के लिए, और सेलिंग आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, इसलिए डिस्काउंट भी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। डिस्काउंट पेड हो सकता है, डिस्काउंट रिसीव हो सकता है, कुछ भी रहेगा, लेकिन ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में ही। नेक्स्ट है आपका एडवर्टाइजमेंट। अभी अभी हमने देखा हम एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं, ताकि हमारा प्रोडक्ट सेल हो, तो ये सेलिंग का खर्चा है, इसलिए ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हमने ट्रेडिंग अकाउंट में देखा था कैरेज इनवर्ड, मतलब सामान लेके आने के टाइम पे जो खर्चा होता है वो होता है कैरेज इनवर्ड। अब कैरेज आउटवर्ड मतलब सामान बेचने के टाइम पे जो खर्चा हो रहा है उसको हम बोलेंगे कैरेज आउटवर्ड, तो ये क्योंकि सेलिंग का खर्चा है आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। नेक्स्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट हम लोग हमारा गुड्स दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे तो हमें कुछ ड्यूटी पे करनी पड़ती, कुछ चार्जेस पे करने पड़ते, इसको बोलते हैं हम एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो ये सेलिंग के टाइम पे होने वाला खर्चा है, इसलिए ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। हमारा नेक्स्ट है टैक्सेस। टैक्सेस हम पे करते हैं इनकम पे, और हमारा इनकम होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, जो भी मुझे प्रॉफिट होगा उसके ऊपर मुझे टैक्स पे करना है, इसलिए ये आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, हमने ट्रेडिंग अकाउंट में देखा था प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, यहाँ पे है सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, मीन गुड्स सेल करने के टाइम पे जब हम इसको पैक करते हैं तो वो होता है सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, तो ये सेलिंग का खर्चा है, इसलिए ये आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल एक्सपेंस, इसमें मोस्टली हमारा चार्जेस एंड इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट कोई भी इंटरेस्ट हो आपका फाइनेंशियल चार्जेस में आएगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन क्योंकि इंटरेस्ट है ये आपका फाइनेंशियल एक्सपेंस हो गया, और फाइनेंशियल एक्सपेंस आता है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। नेक्स्ट लीगल चार्जेस, जो भी लीगल चार्जेस क्योंकि चार्जेस बढ़े ये आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रोफेशनल चार्जेस, अगेन चार्जेस है तो ये आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। बैंक चार्जेस, तो फाइनेंशियल एक्सपेंस में जितने भी इंटरेस्ट है एंड जितने भी चार्जेस है वो सब आते हैं, एंड फाइनेंशियल एक्सपेंस आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, इसलिए ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का है। तो यहां पे हमारा सब एक्सपेंस की कैटेगरी खत्म होती है। हम प्रॉफिट एंड लॉस फिर से रिवाइज करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हमने देखा था फॉर्मेट बैड डेट्स एंड फर्दर बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, उसके बाद हमने तीन कैटेगरी ऑफ एक्सपेंस देखा था, पहला ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फिर हमने लीज देखा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन सी चीजें आती है, दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हमने वो भी लीज देखा कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन सी चीजें आती है, एंड लास्ट में हमने देखा फाइनेंशियल एक्सपेंस। फाइनेंशियल एक्सपेंस में हमने देखा कि फाइनेंशियल एक्सपेंस में इंटरेस्ट एंड चार्जेस रिलेटेड चीजें आती है, तो ये सब चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में आती है डेबिट साइड में।
क्रेडिट साइड में हम देखेंगे जो भी इनकम रिसीव्ड है, कुछ भी इनकम रिसीव हो गया, कमीशन हो गया, डिस्काउंट हो गया या कुछ भी हमको इनकम हो रही है, तो वह आएगा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। ये सब के अलावा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस खुद बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें प्रॉफिट होगा तभी भी एंट्री आएगी, लॉस होगा तभी भी एंट्री आएगी। इसमें नॉमिनल अकाउंट का हम रूल यूज करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हमने डेबिट में सब एक्सपेंस ले लिया और आएगा आपका लॉस। कोई भी बिजनेस में लॉस हो रहा है वो यहां आएगा। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, हमने बिजनेस का इनकम ले लिया एंड गेन्स, गेन्स मतलब प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट साइड में आएगा। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। आइए हम नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारा नेक्स्ट अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट सब पे डिपेंड करता है। कभी कभी हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना पड़ता है, बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ या पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओ उसके रूल सेम रहेंगे। पहले हमारा फॉर्मेट टू ड्रॉइंग्स बाय बैलेंस ब्रॉकडाउन, जैसा हम लिखते हैं हम फॉर्मेट वैसे लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में क्या आता है, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में हम लोग वो सब एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करेंगे जो पार्टनर्स को रिलेट करेगा। सिर्फ और सिर्फ वो इफेक्ट्स आएंगे जो पार्टनर्स को रिलेट करेंगे। ये इफेक्ट्स हमारे डिपेंड करते हैं रूल्स पे, जो हम लोग ने की रूल इफेक्ट्स पढ़ा था उसके ऊपर। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट अच्छे से आता है तो ये अकाउंट का इफेक्ट आपको इजिली मिल जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में बस इतना ही। आइए देखते हैं नेक्स्ट अकाउंट। लास्ट में हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमारा एक साइड लायबिलिटीज का होता है और एक साइड असेट्स का होता है। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज मीन्स हमारे कर्जे। तो ये साइड में हम वो सब चीजें लिखेंगे जो हमारे कर्जे है, जो पेमेंट मुझे करना है। इसमें फर्स्ट आता है मेरा कैपिटल, जो हमने ऑलरेडी फॉर्मेट में याद किया है। नेक्स्ट है हमारा रिजर्व, जितने भी हमारे रिजर्व है, जनरल रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट, ये सब रिजर्व हमारे लायबिलिटी साइड में आते हैं। नेक्स्ट लोन्स, जो हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, शॉर्ट टर्म लोन या लॉन्ग टर्म लोन, जो भी हम लोग बैंक से लोन ले रहे हमें आज नहीं तो कल पे करना है, क्योंकि हमें पे करना है या हमारे ऊपर कर्जा है, कर्जा है मीन्स मेरी लायबिलिटी है, इसलिए लोन हमारा लायबिलिटी साइड में आएगा। नेक्स्ट है हमारा पेबल्स, पेबल्स नाम खुद बता रहा है मुझे पे करना है, मतलब वो चीजें जो हमें पे करनी है। अगर मुझे पे करना है मीन्स ये मेरे ऊपर कर्जा है, कर्जा है मीन्स ये मेरी लायबिलिटी। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगेन मीनिंग सेम है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब वो एक्सपेंस, वो खर्चे जो मुझे करना बाकी है, मुझे खर्चा करना है, मेरा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, आज नहीं तो कल मुझे ये पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए ये मेरे ऊपर कर्जा है, मेरे ऊपर कर्जा है, एडवांस मेरी लायबिलिटी है। नेक्स्ट इनकम रिसीव इन एडवांस, मीन्स मैंने इनकम एडवांस में रिसीव करके रखा है, आज नहीं तो कल मुझे सर्विस देना है या गुड्स प्रोवाइड करने, तो ये मेरे ऊपर कर्जा है, इसलिए ये मेरी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी साइड में मोस्टली इतना आएगा। इनकेस और कुछ नया आएगा तो हम लोग सबके डेफिनेशन में देख लेंगे। आइए चलते हैं असेट के तरफ। असेट में हमारा सबसे पहला है फिक्स्ड असेट, जितने भी हमारे कंपनी के असेट्स है, टेंजिबल इनटेंजिबल सब इसमें आते हैं। टेंजिबल मतलब वो असेट्स जिसको मैं देख सकता हूँ, जिसको मैं छू सकता हूँ। इनटेंजिबल मतलब वो असेट्स जो दिखते नहीं, जिनको मैं छू नहीं सकता, बट फिर भी वो मेरे असेट है। जैसे मेरा गुडविल, मेरा पेटेंट राइट्स, मेरा कॉपीराइट, ये सब चीजें मेरे असेट है, इसके ऊपर मैं पैसे कमा सकता हूँ। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट, हमने दूसरे की कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है, आज नहीं तो कल वो पैसे मुझे मिलने वाले, जो चीज मुझे मिलने वाली है वो मेरा असेट है। नेक्स्ट लोन्स एंड एडवांस गिवन, कभी कभी समय ऐसा आता है कि मैंने लोन दिया है, नॉर्मली हम लोग बैंक से अगर लोन लेंगे तो हमारे ऊपर कर्जा है, लेकिन मैंने किसी को लोन दिया है, किसी
फ्रेंड को एडवांस दिया है, कुछ ऐसा है दूसरे कंपनी को लोन दिया है, तो वो सब चीजें मुझे आज नहीं तो कल रिटर्न होने वाली है। इट मींस ये मेरा एसेट है। नेक्स्ट है मेरा रिसीवेबल्स। नाम खुद बोल रहा है रिसीवेबल्स, वो चीजें जो रिसीव होने वाली है और जो भी चीज मुझे फ्यूचर में मिलने वाली है वो सब मेरा एसेट है। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंस, वो एक्सपेंस जो मैंने वक्त से पहले पे कर दिया। सपोज मैंने 2 महीने की सैलरी पे कर दिया तो मुझे उसकी सर्विस मिलना बाकी है। सपोज मैंने किसी गुड्स का एडवांस में पेमेंट कर दिया तो मुझे वो गुड्स मिलना बाकी है, और जो भी चीज मुझे फ्यूचर में मिलने वाली है वो मेरा असेट है। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब वो इनकम जो मुझे मिलने वाली है, अगेन जो चीजें मुझे मिलने वाली है वो मेरा इनकम है। लास्ट में हमारा है क्लोजिंग स्टॉक, जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं हमारे फॉर्मेट में। क्लोजिंग स्टॉक मींस मैन्युफैक्चर गुड्स, वो गुड्स जिसमें प्रोडक्शन पूरा हो चुका है अभी मुझे सेल करना है, तो ये मेरा असेट। तो असेट में मोस्टली इतने ही चीजें आती है, और भी कुछ चीजें अगर आएगी तो सम के ड्यूरेशन में हम लोग देखेंगे। आई होप अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीजें आती है और क्यों। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे एक बेसिक क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए आप फॉर्मेट एंड रूल्स रिवाइज करके रखिए। फिर से एक बार याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिससे आप मेरा फॉर्मेट वाला लेक्चर देख सकते हैं। पर उसके पहले वो लोग जो ये चैनल पे न्यू है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।